आई लव कॉफ़ी. तो जैसे ही ये हमारी बातचीत ख़त्म होगी तो मैं अंदर जाके कॉफ़ी पीऊँगी. लंदन में मैं अपने फादर के साथ यहाँ बहुत जा चुकी हूँ, तो एक्साइटेड हूँ कि यहाँ बॉम्बे में आ गए हैं. उम्मीद है उनको एक दिन यहाँ ले आऊँगी. मैम, लंदन से कितना ज़्यादा डिफर एक्सपीरियंस आपको लग रहा है कि इंडिया में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा. लंदन में मैं जाती हूँ, कोई ज़्यादा पहचानता नहीं है, मैं कॉफ़ी लेके निकल जाती हूँ. यहाँ कॉफ़ी लेने से पहले ही ये सब हो रही है, तो ऑफकोर्स डिफरेंट तो है, बट आई थिंक दैट द ब्रांड इज़ द सेम. सो आई थिंक दैट आई एम होपिंग दैट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड कॉफ़ी विल बी द सेम. And it's a, you know, it'll be fun. Ma'am, since you're saying ki aap coffee kafi zyada pasand karti hain, bahut zyada, had se zyada products aapne try kiye honge, kai sare alag outlets, is outlet ki kya visheshta aapko lagti hai, kya unique hai? Honestly, agar aap coffee पसंद करते हैं तो आपको बस वो एक कॉफ़ी बीन्स का एक फ्लेवर होता है, एक टेक्सचर होता है, एक टेस्ट होता है, आपको वही मतलब आप समझ लेते हो. यू नो, इट्स नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्वीट कॉफ़ी, लाइक इट्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉफ़ी. और लंदन में लाइक आई सेड, लाइक माई फादर लाइक्स दिस कॉफ़ी विद अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क. मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो मेरे लिए मतलब द टेस्ट ऑफ दोज बीन्स इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद. मैम, ऑर्गेनिक ब्रेड्स हैं, फूड काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक फोकस रखा गया है. आपको लगता है ये ज़्यादा इंडियंस के लिए बेनिफिशियल होगा अपनी डाइट के लिए, हेल्थ के लिए? इंडियंस की बात नहीं है, मुझे लगता है दैट जनरल अवेयरनेस ऑफ डाइट, लाइफ स्टाइल, फिटनेस इज जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. इट्स नॉट एन इंडियन थिंग, आई थिंक इट्स अ ग्लोबल थिंग, इट्स अ फिटनेस थिंग, इट्स अ ह्यूमन थिंग. तो या ऑफकोर्स आई थिंक दैट वट एवर इज ऑर्गेनिक इज good for you, so it'll be fun. Thank you. Okay, thank you. Photographers who want a picture of us here. Okay, yes, Kedar.